गाइस टू दिस वीडियो। सो आज मेरे पास अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही मेरे पास जो मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोलर, तो वो मेरे पास अभी आ चुका है। और मतलब मैंने अभी सिर्फ अमेज़ॉन का बॉक्स ही हटाया है। और तो चलिए अभी उसे मैं अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखाई देता हूँ। तो जैसे ही इसे अब आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको मेन रिमोट। तो ये रहा रिमोट और इसमें आपको बटन देख रहे होंगे, अब दिख रहे होंगे ए बी सी डी और पावर ऑफ और एट द रेट के बटन्स। और ये रहा हमारा एनालॉग। तो देखते बॉक्स के अंदर और क्या है। तो बॉक्स के अंदर तो बस एक क्विक स्टार्ट गाइड या यूज़र मैनुअल कह सकते हैं इसे। तो यूज़र मैनुअल है और यूज़र मैनुअल आधा चाइनीज़ में और आधा इंग्लिश में, मतलब ये वाली साइड पूरी चाइनीज़ में है और ये वाली पूरी इंग्लिश में। तो मतलब देख लेते हैं इसे चलाना। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कि कैसे क्या क्या है इसके कमांड्स। तो चलिए अब इसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कंट्रोलर, अभी आप स्टार्ट करेंगे या कनेक्ट करेंगे तो ये नहीं होगा क्योंकि ये आपको ऐसी कंडीशन में मिलेगा। हो सकता है आपको इसमें सेल ना मिले, हो सकता है मिल जाए, बट मैं अभी इसके लिए सेल लेके आया था और मेरे पास एक्चुअली घर पे पड़े हुए थे, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है सेल और डाल दिए। तो अब देखते हैं इसे ऑन करने का ट्राई करते हैं, शायद गलत लग गया। नहीं नहीं सही लगे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट ऑन हो चुकी है, मतलब ये प्रोडक्ट मेरा ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये ऑन हो चुका है। तो मैं अभी फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ जिससे मैं यूज़ करता हूँ। तो ये मेरा सेकेंडरी फ़ोन और वैसे तो ये ख़राब है इसलिए मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। तो अभी पहले इसकी नोटिफिकेशन वगैरह हटा कर यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन कर दीजिएगा और कोशिश कीजिए कि अपना वाईफाई ऑफ रखें क्योंकि इससे सिग्नल स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा वी आर बॉक्स का। तो यहाँ पे वी आर बॉक्स या कुछ कर ऐसे वी आर कंट्रोलर करके कुछ आएगा या वी आर रिमोट, तो उससे मतलब अगर आप उसे कनेक्ट करेंगे तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। शायद मैंने ऑफ़ कर दिया होगा। तो हाँ अब देखिएगा, तो यहाँ पे मैंने इसे ऑन कर दिया है और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर बॉक्स कनेक्टेड आ रहा है। तो मतलब अगर आप इसे ऐसे ही स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन का आ जाएगा, तो जो कि मुझे नहीं चाहिए। अगर कोई बटन भी दबाएंगे तो वॉल्यूम अप डाउन ही होगा। तो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐट द रेट बटन है। तो ऐट द रेट बटन को दबा कर डी बटन को जब दबाएंगे, हाँ चल पड़े हैं, अब डी दबाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐट द रेट बटन करके डी दबाएंगे तो यहाँ पर माउस आ गया आपका, अब देख सकते हैं आप। तो ये जो बटन है ये बैक बटन है, ये देख सकते हैं पहला बटन जो L1 बटन कह लो या मेन बटन कह लो, ये बैक बटन है। और दूसरा बटन जो है वो है सिलेक्ट का बटन। तो अगर देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे ऊपर करके सिलेक्ट करके नीचे कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल हमारे फिंगर की तरह काम कर रहा है। और इसे मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे स्लाइड करने का ट्राई करता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने सिलेक्ट का बटन दबाया है तो अभी मेरे पास दो ही टैब्स थे। तो मतलब आपको अगर ट्रैवल करना चाहे बाकी टैब्स में या सिलेक्ट करना चाहे दूसरे टैब्स को तो आप कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अगर आप इस वीआर यूज़ करते हैं और उसके लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। और आपको मतलब इसके बाद मैं आपको दिखाई दूँगा, ये देखिए काफ़ी सिंपल है इसे यूज़ करना। और अगर आप वी आर की गेम्स खेलना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे मतलब आप सिलेक्ट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे मतलब वी आर की गेम्स खेलते हैं, वो मैं आपको अभी बाद में बता ही दूंगा इसके। तो मुझे प्रोडक्ट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लगी, इसका फिजिकल ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया है, ग्रिप वाइज काफ़ी अच्छा है ये प्रोडक्ट। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि वी आर गेम में कैसा लगता है। सॉरी गाइज फॉर दिस बैड वीडियो क्वालिटी, बट मैं जो अपना दूसरा फ़ोन है उसे यूज़ कर रहा हूँ और मैं उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करता, बट मैं अपने ये दूसरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये वाले फ़ोन में मेरी बैटरी कम है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया हुआ है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीआर बॉक्स से मैंने कनेक्टेड कर दिया है। तो ये रहा हमारे पास वीआर कंट्रोलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कंट्रोलर है और मैं इसे स्लाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक गेम पड़ी है अभी वी आर क्लाइम। और चलिए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गेम हो गई है शुरू और इसके लिए आपको चाहिए होगा वी आर सेट। बट मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता तो इसलिए मैं आपको इसको AR में ही दिखा रहा हूँ। तो AR में मैंने इसे प्ले कर लिया और यहाँ पे जाके ये देखिए ये जो वाइट निशान देख रहे हैं आप जहाँ पे मेरा माउस अभी बिल्कुल साथ आप ये वाला, तो ये जो है ना ये माउस बटन है। बट अगर ये पूरा जब तक सर्कल कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका क्लिक नहीं होगा अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है। लेकिन हमारे पास कंट्रोलर है तो इससे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि मैंने इसे AR में लगाया है। तो अब देख रही है ऊपर देख रहा हूँ जैसे मैं, तो यहाँ पे कोई स्टोन दिख जाए अगर तो मजा ही आ जाए। ये देखिए ये स्टोन दिख रहा है, ये ऊपर भी एक स्टोन है। कम ऑन मैन। तो ये स्टोन देख सकते हैं आप यहाँ पे। हाँ अब मैं इस पे सिलेक्ट का बटन दबा जाऊं और ये देखिए दूसरे स्टोन पे भी लगा दी। तो ये थी हमारे पास गेम। और बाकी जो गेम है इसका बाद में मैं आपको दिखा दूंगा या दूसरी वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। को लाइक किए बिना मत जाना, शेयर किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब किए बिना चैनल को मत जाना। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहेंगे तो लिंक मैं आपको दे दूंगा। और